بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں آپ تشریف لائے ہیں مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ دو روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالا دستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں وہ ضمانتوں پر رہا ہے دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف پھیر صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا اس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے لیکن آمرانہ قوت کو غیر آئینی حکومت کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ٹوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے کراچی کے ہوٹل میں صفدر عباسی صفدر کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے
विफाक ने यह समझ लिया कि ओछे हथकंडे और जालिमाना इकदामात बल्कि शर्मनाक इकदामात से हिजब इख्तलाफ की जमातें मरूब हो जाएंगी, ये उनकी भूल है। हम सारी जिंदगी मार्शल लॉ से लड़ने के आदी हैं, इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करने से पूरे मुल्क में इश्तियाल बढ़ेगा, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा अगरचे सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी के अमल को कबूल किया है, ताहम ये सवाल अपनी जगह पर अहम है कि जिनको इस वाकये का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है इंक्वायरी भी वही करेंगे। और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कबूल भी किया जाएगा। हमारी नजर इस पहलू पर भी है। मज़हक़ाख़ेज़ बात यह कि शाहदरा लाहौर के थाने में जो जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसका मुद्दई भी इश्तिहारी मुलज़िम है, और कराची में जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसका मुद्दई भी एक इश्तिहारी मुलज़िम है, और पीटीआई का कारकुन पीटीआई का रुकन बन जाए तो फिर वो इश्तिहारी मुलज़िम हो तब भी थाने में जाकर वो एफआईआर कटवाए हमारे खिलाफ। इसका नाम इंसाफ है? ये न तहरीक है न इंसाफ। इस हवाले से पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। हम पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं, उनके जमहूरी हक की जंग लड़ रहे हैं, हुक्मरानों की नाअहली के नतीजे में, नालायकी के नतीजे में जो मुल्क की मईशत तबाह हुई है, और उस मईशत से मुल्क का हर शख्स मुतासर हुआ है, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। आज हर तबका चीख रहा है, लेकिन हुक्मरान हैं कि जो खरगोश की नींद सो रहे हैं और उन्हें आम आदमी के कर्ब का और उसके इस्तराब का एहसास नहीं हो रहा है। लिहाजा मुल्क को इस बहरान से अगर बचाना है, माशी बहरान से बचाना है, अगर इसकी बका चाहिए हमें इस रियासत की, तो फिर हमें मैदान में निकल कर कुर्बानी देनी होगी। इंशाअल्लाह और अजीज इस महाज पर हमारा एक भरपूर और इस्तकामत के साथ एक मौकफ है, और इसको आगे लेकर जाएंगे। 25 अक्टूबर को इंशाअल्लाह क्वेटा का जलसयाम है, और उसके बाद भी जलसों का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट ये प्लीज ऐसा करते हैं, वन बाय वन ले लेंगे, एक सवाल यहाँ से एक यहाँ से, प्लीज इस तरह कर ले, यहाँ से शुरू कर लें फिर एक सवाल यहाँ से। साहब ये बताएं कि पीडीएम तो एक इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को आप इत्तेहादी इत्तेहाद के तौर पर आगे जाकर तस्वीर करें। देखिए इब्तदाई तौर पर तो ये सिर्फ एक तहरीक है, और मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके ऊपर एक तहरीक के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आगे जाकर इत्तेहाद की क्या शक्लें बन सकती हैं, इंतखाबात में क्या सूरत हाल बन सकती है, वो खारिज इम्कान तो नहीं हो सकता, लेकिन सरदस्त हम यही कहेंगे कि ये इत्तेहाद एक तहरीक है और मूवमेंट है, ताकि इस मुल्क में आइन की और कानून की अमलदारी आए और
जमहूरी हुकूक लोगों की बहाल की जाए। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ से नहीं, ये लफ गलत है कि नहीं करने दी गई। उन्होंने एक पैगाम दे दिया था, गुजरावाला में मुल्क में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने खुद नहीं चाहा था कि मैं हर जगह जो है वीडियो लिंक पे खिताब करता रहूं। पार्टी मौजूद है, उनके कायदीन मौजूद हैं, लिहाजा ये बात कहना बहुत ही गलत होगा कि उनको तकरीर करने नहीं दी गई। अगर वो तकरीर करना चाहते तो कौन उसको रोकता, कौन सी जमात है, कौन सी शख्सियत है कि जो उनको एहतराम नहीं दे। इस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहीं पहले से एक गिलगित-बल्तिस्तान का शेड्यूल दिया हुआ था। बहरहाल हमारे उनसे रबते मौजूद हैं और इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब, मेरा सवाल है आपसे कि एक तो आपने सवाल या निशान लगाया इंक्वायरी जिसको वेलकम से गवर्नमेंट ने किया, तो वो तो तय कर दिया गया आर्मी चीफ ने कि कोर कमांडर रिपोर्ट देगा, तो आप पहले ही कुछ नहीं तय करते कि क्या उस रिपोर्ट को आप मानेंगे या ये कोर कमांडर की रिपोर्ट जो है कोई हैसियत नहीं रखेगी पीडीएम के आगे। अभी मैंने सिर्फ सवाल उठा, बस इसको देखें। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का कल मीडिया पे चल रहा था कि जो पीडीएम के लीडर हैं उनकी लाइफ रिस्क का थ्रेट है बहुत ज़्यादा, तो उस बल्कि यहाँ तक कहा है कुछ चैनलों ने कि इंडिया जो है इसमें मुलविस हो सकता है तो बलूचिस्तान के रास्ते। मुझे ये बताएं कि आईजी सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डालते, मजा तो तब आया ना। तो हमने जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने किस रास्ते से जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने जलसे में किस तरह शरीक होना है। सिक्योरिटी का मामला हमारा नहीं है, सिक्योरिटी का मामला उनका है। अगर वो हमें नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर हमें इजाज़त दें ताकि हम अपने रजाकारों को मैदान में उतारें और उनको बताएं कि तुम मुल्क के ख़जाने से तनख्वाहें लेते हो, मराआत लेते हो, और तुमसे जो नहीं हो सकता वो मेरे एक बेदस्तफा गरीब कारकुन और उसके रजाकार से हो सकता है। मेरा ख्याल इस वक्त हमारे सामने अगर की गुंजाइश नहीं है तो ये इंशाल्लाह कामयाब ही होगी। और जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा, तो जहाँ दो तीन और ऑप्शंस हैं हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल है। जी की जान वाली शक्ल जरूर बता दें, चार की अपनी शक्लें होती हैं ना, तो कोई ऐसी शक्ल हमें बता दी जाए कि जिसको हम भी हमारा अकल भी तस्लीम कर ले। सवाल ये है कि इसमें पुलिस ने एक तरफा तौर पर खुद रद्द अमल दिया है, तो जब वो खुद रद्द अमल दे रहे हैं और यहाँ तक कि हर ज़िले के एसएसपी और डीपीओ जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं और वो समझते हैं कि हम जहनी तौर पर इतने दबाव में हैं इस वाक़े की वजह से कि हम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से कासिर हैं, तो ये रद्द अमल पुलिस का आया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंध का नहीं, सिंध में तो एक बात उछल पड़ी है, ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर है। हर जगह पर सिविल इंतजामिया के इख्तियारात पर मिलिट्री के वहाँ जो अफसरान हैं उनकी गिरफ्त मौजूद है, ये सूरत हाल हर जगह पैदा हो सकती है। लिहाजा इस रविश से दस्तबरदार हुआ जाए ताकि हम एक मुल्क बनकर आगे चल सकें। आपकी जो तहरीक है वो आईन की बालादस्ती के लिए है और आप ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें,
इस तहरीक के जो आगाज है उसके बाद हमने ये पेशरफ देखी है कि पहले आम लोग अगवा होते थे, अब आई जी उठाया जा रहा है, तो आप किस सूरत हाल में कोर्ट को? लेकिन मेरे ख्याल में यही गले पड़ गए। देखिए, लापता अफराद एक मुस्तकिल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी, बलोच एरियाज हों, पश्तून एरियाज हों, खैबर पश्तूनख्वा में, हत्ता कि पंजाब में भी, और मुसलसल उनके प्यारे जो हैं वो इस्लामाबाद में भी बार बार इकट्ठे हुए हैं। लेकिन शकील कल कुतें होती हैं कि जो इन लोगों के इस कर्ब पर वो खामोश बैठे रहते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते कि जिनके बूढ़े माँ बाप साल हर साल से आठ आठ दस दस साल पंद्रह पंद्रह सालों से वो रो रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो अब ज़ख्मी हो गई हैं अश्क बहाते बहाते उनके गम में। ऐसे ऐसे लोग लापता हैं कि जिनके बूढ़े वालदैन वफात पा चुके उनके कर्ब में, लेकिन इनको रहम नहीं आ रहा कि इन ख़ानदानों और इनके बुज़ुर्गों के ऊपर रहम किया जाए। अगर वो वाकई मुलज़िम है, अगर वो कातिल है, अगर वो रियासत के दुश्मन हैं, तो आईन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ये अदालतें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं कि उनको रोज़ जो है पकड़ कर उनके कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको उनकी तस्दीर वहाँ पर की जाए। अगर वाकई ऐसे लोग हैं कि जो रियासत के दुश्मन हैं, रियासत के खिलाफ उनके पास दलाइल मौजूद हैं, गवाहियाँ मौजूद हैं, दस्तावेजात मौजूद हैं, तो लाए खुली अदालत में पेश करें उसको। अगर वो वाकई ऐसा मुजरिम है, वालदैन को तो पता चल जाएगा कि मेरा बेटा जो है वो मुजरिम था, इसलिए फांसी चढ़ गया। लेकिन इस तरह रोज़ रोज़ उनके घर में मौत है, रोज़ रोज़ के उनके घर में मातम है, और दो दहाइयाँ गुजर गई है उस ज़माने से मातम है। मेरी एक बात सुन लें, एक बात मेरी सुन लें, पीपल्स पार्टी सिंध में जीत चुकी है, फिर कहती है कि धांधली हुई है। आप तो एक सीट की बात कर रहे हैं ना, एक फर्द की बात कर रहे हैं, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट ग्रुप है असम्बली का, उसके बावजूद कहता है कि धांधली हुई है। लिहाजा इंडिविजुअल्स के मसले पे नहीं है ऐसी बात, मेरे कैंडिडेट हैं जो कामयाब हो गए हैं, जो हारा है वो भी मैदान में है, तो मजमूई तौर पर इंतखाबात की बात है। देखिए, अगर 60 फीसद और 40 फीसद का फर्क हो, या 70 फीसद और 30 फीसद का फर्क हो, तो ये फर्क अगर इसमें इतनी कम बेशी हो कि जो कौम का मजमूई फैसला है वो मुतासर ना हो, तो पूरी दुनिया में इस तरह की कम बेशी इंतखाबात में कबूल कर ली जाती है कि हक के हुक्मरानी सर्द नहीं हो रहा। यानी अगर मेरी पार्टी के पास 200 सीटें हैं और 200 के बजाय हमारे पास 90 सीटें आ जाए और हम कहें कि 10 पे दान दी हुई है, चूंकि मेरी अक्सरियत नहीं जा रही उससे, मेरा हक हुक्मरानी जो आई मुझे हक देता है वो नहीं जा रहा, तो इस तरह पूरी दुनिया में किसी कदर ये चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जिसके पास 30 फीसद वोट नहीं है उसको 70 फीसद वोट दे दिया, और जिसके पास 70 फीसद वोट का हक है उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर पार्टियाँ जो जीती हुई पार्टियाँ हैं वो भी इसको धांधली कह रही हैं और मैदान अमल में है। लिहाजा ये मसला इंडिविजुअल का नहीं है, और नहीं अब 2 साल हो गए हैं हम मैदान अमल में हैं, और पहले दिन से ही हमारा एक मौक़ सामने आया है। 2 साल के बाद आप पढ़े लिखे लोगों को इसका समझ जानी चाहिए। ये उनकी मर्जी पे है, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने चाहा कि खिताब हो तो उसको बिल्कुल खुशामदीद कहा जाएगा। तो
हजरत, हमने तो हमेशा मीडिया के हक में आवाज बुलंद की है। जहां सियासत है वहां मीडिया, जहां सियासत है वहां सहाफत, जहां बादशाहतें हैं, जहां डिक्टेटरशिप हैं, वहां सहाफत भी नहीं होती। कंट्रोल सहाफत होती है, आज़ाद सहाफत नहीं हुआ करती। तो ऐसी हुकूमत कि जिसमें जमहूरियत हो, जिसको एहसास हो कि ये मुल्क जो है वो सबका है, तो उसमें हम एहसास रखते हैं कि मीर शफीकुर्रहमान साहब क्यों जेल में, हमारे बड़े नामवर लोग उनको क्यों चैनल से निकाला गया, उनकी खिदमात जो हैं उनको क्यों फेंक दिया गया और वो अब अपने छोटे छोटे ट्यूब यूट्यूब के ऊपर वो अपने चैनल बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने गला ढूंढा है मीडिया का। लिहाजा मीडिया की आज़ादी और एक आला मियार और आला एक क्वालिटी के साथ हमें मीडिया की आज़ादी चाहिए और उसके लिए हम हमेशा मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ से एक सवाल ले लें, देखिए वो आज पहली मरतबा नहीं कह रहे, ये बातें बहुत पुरानी पुरानी हैं। मकामी जबानों को तरजीह दी जाए तालीम के सिलसिले में, ये कौन सी पार्टी है कि जिसका ये मौकफ ना हो? और उर्दू है हमारी कौमी जबान, ठीक है, उस पर हमें कोई इनकार नहीं उससे। हम मुझे जिस तरह उर्दू आती है और मैं उर्दू बोलता हूँ, चाहिए कि मेरे बच्चों को पश्तू भी उसी तरह आए ना। अब अजीब बात है कि मैं पश्तून हूँ, मेरे बच्चों की पश्तो बहुत कमज़ोर है और वो उर्दू ठीक पढ़ लेते हैं। आप सिंध के लोग हैं, आपके बच्चों को शायद सिंधी जबान लिखनी ना आए लेकिन आपको उर्दू आती है। तो इस हवाले से तमाम जमातों के मंशूर में लिखा हुआ है कि इलाकाई जबानों में बच्चों को तालीम का एक रुझान बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से ये बात तो हम सिर्फ उर्दू के बारे में नहीं कही गई, हालांकि उर्दू हमारी कौमी जबान है, ये राबते की जबान है। मेरे ख्याल में आप सिंधी लोग मेरे सूबे में जाएंगे तो आपको पश्तो नहीं आएगी, तो आप उर्दू में बात करेंगे, तो मेरे पठान को भी सिंधी नहीं आएगी तो वो भी आपके साथ उर्दू में बात करेगा। तो इस तरह उर्दू एक राबते की जबान है जिससे ना हमें कोई दुश्मनी है और ना इससे कोई मफर है। अब एक अब अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान के पश्तों में फारसी जबान ज़्यादा मिली हुई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पश्तों के अंदर उर्दू जबान ज़्यादा मिली हुई है, पंजाबी के अल्फाज आपको उसमें मिलते हैं। तो जहाँ जो लोग जो कौमें इकट्ठी रहती हैं उनके अल्फाज एक दूसरे की ज़बान में मुंतकिल होते रहते हैं और इस्तेमाल हो जाते हैं, तो उर्दू मसला नहीं है। उर्दू में तो हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इलाकाई ज़बानों में भी आना चाहिए। मुझे कल खुद जरदारी साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ लंदन में जब पढ़ कर वापस आया तो मुझे ना उर्दू आती थी और ना सिंधी आती थी, बात सीखी हमने। देखिए वो अपने करप्शन की बात क्यों नहीं करते, वो सीपैक का चेयरमैन जो है उसको तो वो बचाना चाहते हैं और उसको तो मुस्तस्ना रखना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ इल्जाम हैं, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, बीआरटी का मसला है, बिलियन ट्रीज का मसला है, मालम जबे का मसला है जी, कितने कितने उनके खिलाफ इस वक्त मैदान है, एक भी पेशी नहीं हो रही, उनके केस चल ही नहीं रहे उनके जी। तो किसी को इस तरह चोर कहना कि आप 2001 से मुशर्रफ ने जब एक हुकूमत बनाई तो मेरे ख्याल में उसी वक्त से जो एहतसाब सियासतदानों का शुरू हुआ है और आज तक एहतसाब ही हो रहा है और उसके कोई नतज नहीं है, तो इसका माना यह है कि ये नेकनीयती पर मबनी एहतसाब नहीं है, सिर्फ सियासतदानों के दामन को दागदार करने के लिए इस हद तक जाया जाता है। भाई जान एक बात जहन में रखें, मैं मेरी शराफत इजाजत नहीं देती, मैं आप कुछ और जवाब देते इसके।
जनभाग बुनियादी ये है कि एनआरओ वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको एनआरओ नहीं दे रहे जी। एक मिनट वहाँ से प्लीज आ रहे हैं आप जी। इस पर तो मैं बात कर चुका हूँ, इब्तदाई में इस पर मैंने बात की है कि एक सवाल है मेरा, वो सवाल आपके सामने रख दिया है, अब आप इस पर तबसरा करें। अगर मेरा आप पर इल्ज़ाम हो कि तुम इस काम के मुजरिम हो और आप ही को मैं उसके इंक्वायरी पे लगा दूं, तो फिर उसका क्या नतीजा होगा? सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जैसे पहले अपने फवायद लेकर, नून लीग ने भी काफ़ी सारे फायदे लेकर आपको तहरीक में आगे करके वापस चले गए, तो इस बार कितने फीसद यकीन दहानी आपको उन्होंने करवाई है कि आखिर तक आप नहीं देखे देखे ये देगी? बेटा ये सहाफत की दुनिया में एक सवाल वो फरसूदा भी हो जाए ना, तो आप लोगों ने दोबारा करना है। मेरी बात तो सुन लेना। देखो भाई, बात ये है, वो इवेंट JUI का था और तमाम पार्टियाँ, उन्होंने सिंध में इस्तकबाल किया, पंजाब में इस्तकबाल किया और वहाँ स्टेज पर सब हमारे साथ मौजूद रहे। इवेंट JUI का था जी। आज जो इवेंट है वो तमाम पार्टियों का मुश्तरका है, लिहाजा इस किस्म के कि पहले वो आपको छोड़ गए, सब स्टेज पर थे हमारे साथ 14 दिन, अगर हम वहाँ से फटे वो भी हमारे साथ थे। हो चुकी है बात, हो चुकी है, कई ऑप्शन में मौजूद है। मैंने जो आपके सामने सवाल रखा है इसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ रही हैं जी। एक मिनट ले रहे हैं जी, प्लीज बाबू पाल सर। सी पैक के कई पहलू, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की एक इक्तिसादी तौर पर एक रीढ़ की हड्डी रखती है हमारे लिए, उसके फौरी फवायद भी हैं और दूरस उसके मफादात भी हैं पाकिस्तान के लिए। खारजा पॉलिसी आपकी तब कामयाब होती है जब आप इक्तिसादी लिहाज से मजबूत हों और दूसरी दुनिया के मफादात आप अपने साथ वाबस्ता हैं। अगर आप इक्तिसादी लिहाज से कमज़ोर हैं और आप बैरूनी लोग दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करने में नाकाम हैं, तो फिर आप नाकाम ही नाकाम हैं। ये जो हमारे सी पैक मनसूबा था, इस पर तो तमाम पार्टियों का इत्तेफाक था, ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस पर इत्तेफाक रह पाया गया था, लेकिन ये हुकूमत आई और इस हुकूमत ने अपनी तरजीहात तब्दील कर दी और पॉलिसी ये दे दी कि मेगा प्रोजेक्ट के पाकिस्तान के अवाम मुतहम्मिल नहीं हैं, लिहाजा माइक्रो लेवल पर आ जाएं और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट मुतारफ़ कराने के बाद के बजाय आएँ हम कि कट्टे मुर्गी अंडे वगैरह की बात करें और इस लेवल पर मईशत को ले आए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन जी। के जो एमएलएस हैं उसके आवाज आ रहे हैं कि ये हुकूमत है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो चला रहे हैं, उसके एमएलए आवाज है। आपके पीडीएम से उसके एमएलए जो रब्ता किया है तो किसी पर जो शदीद नाराजगी थी क्यादत से, तो वो जो मुंतखब लोग नहीं है ऐसे लोग ले आए हैं वो हुकूमत चलाते हैं, उस एमएलए का कोई पीडीएम से रब्ता हुआ है? देखिए, बात बुनियादी ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन में मुंतखब ही नहीं, जो असम्बली में बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम मुंतखब होकर आते हैं वो भी मुंतखब नहीं है, जो बाहर से लाए गए हैं और मुशीर बनाए गए हैं और किचन कैबिनेट के मेंबर बनाए गए हैं वो भी मुंतखब नहीं है। तो जो गैर मुंतखब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मुंतखब लोग, दोनों की कैटेगरी एक है कि वो अवामी नुमाइंदे नहीं तसव्वुर किए जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात को।